दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनफैक्ट ये एक एक्सपेरिमेंट वीडियो होने वाला है। मैं जब भी आपके लिए कोई प्रिंटर से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता हूं, स्पेशली इंक टैंक प्रिंटर वाले, तो आप में से बहुत सारे लोग हर वीडियो में ये कमेंट करके जरूर पूछते हैं कि क्या इंक टैंक प्रिंटर को ज्यादा दिन तक यूज नहीं करेंगे तो उसकी इंक सूख जाएगी। और मैं हर बार बोलता हूं कि नहीं। पर दोस्तों आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूं कि इंक टैंक या इंक जेट प्रिंटर की इंक इतनी जल्दी नहीं सूखती। दोस्तों आज मैं अपने प्रिंटर के कार्टेज को रिप्लेस करने वाला हूं, क्योंकि पुरानी वाली जो कार्टेज है वो काफी पुरानी हो गई है और अब उतना क्लियर प्रिंट नहीं देती, इसलिए मैंने ये एक कलर कार्टेज को ऑर्डर किया है, मंगाया है। अगर आपको भी चाहिए तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से मंगा सकते हैं। और ये कार्टेज है मेरे इंक टैंक प्रिंटर कैनन G1010 की कलर कार्टेज। तो दोस्तों इसे हम अपने प्रिंटर में लगाएंगे, लेकिन उसके पहले वो जो पुरानी वाली हमारी कार्टेज है उसको हम प्रिंटर से निकालेंगे। इसको लगाने से पहले उस कार्टेज का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, और वो करेंगे जो शायद आप घर पे अपने प्रिंटर के साथ नहीं करना चाहोगे। तो मैं करके आपको दिखाता हूं कि क्यों मैं ऐसा बोलता हूं कि इंक टैंक प्रिंटर की कार्टेज इतनी जल्दी नहीं सूखती। तो चलिए ये एक्सपेरिमेंट भी स्टार्ट करते हैं और इस कार्टेज को रिप्लेस करके प्रिंटिंग क्वालिटी भी चेक करते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी पुरानी वाली कार्टेज जो अभी हमारे प्रिंटर पर लगी हुई है उससे एक प्रिंट आउट निकालकर देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी आ रही है। और ये हमने बेस्ट क्वालिटी प्रिंटिंग दी है और इसको निकाल करके देखते हैं कि अब जो हमारी पुरानी वाली कार्टेज है उसका प्रिंट कैसा निकलता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, ये जो प्रिंट आउट हमने निकाला है ये इस तरह का है कंप्यूटर पर देखने में, और जो मैंने निकाला है बेस्ट प्रिंटिंग क्वालिटी देकर के वो कुछ इस तरह का निकल के आया है। येलो कलर फेड हो चुका है, रेड कलर, मतलब हर कलर जो है वो फेड हो चुका है और क्वालिटी जो है वो काफी काफी डल आ रही है। लेकिन यार देखने वाली बात ये है कि अभी भी हमारी वो पुरानी वाली कार्टेज परफेक्टली वर्क कर रही है, भले ही वो डल प्रिंटिंग कर रही है पर उसकी इंक नहीं सूखी। तो चलिए अब उसको निकालते हैं और आपको लाइव करके दिखाते हैं उस कार्टेज का पोस्टमार्टम। और अब चलिए कार्टेज निकालते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रिंटर है, इसको हमने खोल लिया है और ये देखिए इसकी कार्टेज है। ये दोनों ही कैप उठा देंगे जिससे कि हमारी जो पाइप में जो इंक है वो वापस ना हो। मैं एक वीडियो में आपको डिटेल में इसके बारे में बता चुका हूँ। और अब हम लोग इसको निकालते हैं। तो ये देखिए ये हमारी कलर कार्टेज है और इसको अब हम इससे बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए ये जो हमारी कार्टेज है ये इसके नोजल हैं, ये देखिए इसमें इंक अभी भी नहीं सूखी है। मैं इसको वाइप करके दिखाता हूँ। देखिए मेरी इस उंगली में कोई भी इंक नहीं लगी है और मैं इसको यहाँ से वाइप करता हूँ। ये देखिए तीनों ही इंक आ रही हैं पर वो डल आ रही हैं। तो सबसे पहले एक प्लायर की मदद से इसको इस तरह से पकड़ते हैं और इसको खोल लेते हैं। तो हल्का सा फोर्स लगाइएगा, बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा। और ये देखिए ये ढक्कन अलग हो गया और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तीन चैम्बर हैं, एक येलो, एक ब्लू और एक रेड कलर के स्पॉन्ज इसमें पड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप ऊपर तीन होल देख रहे हैं जो कि आपने अपनी कार्टेज में भी देखे होंगे। तो ये अलग अलग पाइप के द्वारा इंक अंदर जाती है। अब ये जो स्पॉन्ज आप देख रहे हैं ये भी नॉर्मल स्पॉन्ज नहीं है, स्पेशल क्वालिटी के स्पॉन्ज होते हैं। और इनकी एक स्पेशलिटी ये होती है कि इनमें जैसे इंक का फ्लो यहाँ से होता है तो यहीं से नीचे आकर के जहां पर जाना होता है वहां पर जाती है। पूरे में फैली इसलिए क्योंकि काफी दिनों से ये यूज हो रही है और इस वजह से ये काफी भरसा गया है। इसको थोड़ा सा दबा के देखते हैं, ये देखिए इंक निकलने लगी। तो ऐसा नहीं है कि आप, ये देखिए मैं इसको अगर रख के भी दिखा रहा हूं तो काफी स्पेशल क्वालिटी का है, तो इंक इनमें भरी होती है। और उसके बाद अगर आप यहां अंदर देख पा रहे हो तो यहां पर एक फिल्टर जैसा लगा हुआ है जिसकी मदद से इंक यहां से जितनी जरूरत होती है उतनी ही ली जाती है और यह काम होता है इस सर्किट का। अगर आपकी कार्टेज का यह सर्किट नहीं खराब है तो आपकी कार्टेज भले ही फेड प्रिंट देगी जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया पर चलती रहेगी। और अगर यह खराब हो गया और यह हेड घिस गया, प्रिंटिंग अच्छी नहीं दे रहा है, तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए इन स्पॉन्ज को धुलने का, वापस से रीसेट करने का, पर यह कार्टेज अच्छी प्रिंट आपको नहीं देगी। तो इस तरह से एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर यहां से लिमिटेड इंक यहां पर
फिल्टर में लेकर के यहां से प्रिंट की जाती है। तो काफी दिनों, अगर गर्मियों की बात करें तो 20-25 दिन तक अगर आप इसको यूज नहीं करते तो यहां ऊपर हेड में इंक जरूर थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, पर जब आप प्रिंट देंगे और सर्किट सही है तो वापस से फिर इस स्पंज से इंक लेकर के प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता, प्रिंटर को कोई प्रॉब्लम होती है प्रिंटिंग करने में, तो फिर वो वापस से एक आपको मैसेज देगा जिसके थ्रू आपके प्रिंटर में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इस इंक हेड को क्लीन करने के, जो प्रिंटर ऑटोमेटिकली क्लीन कर लेता है। तो एक बात आप अच्छे समझ लीजिए, इंक यहां भरी होती है ना कि यहां पर, और डायरेक्ट यहां से यहां नहीं पहुंचती है। तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि प्रिंटर को बहुत दिनों तक अगर आप यूज नहीं करते तो इंक ड्राई हो जाएगी, वर्क नहीं करेगी, कार्टेज प्रिंट नहीं करेगी। ये सारे मिथ दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, बहुत गर्मी में इंक हेड जरूर ड्राई हो जाते हैं, लेकिन जब आप उसको क्लीन करेंगे प्रिंटर की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से, तो वो वापस से वर्क करने लगेंगे। आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। इंक टैंक प्रिंटर को खरीदने से पहले आप बड़े आराम से खरीद सकते हैं। अब एक काम और करते हैं कि इस स्पंज को वापस से चैम्बर में डालते हैं, कार्टेज में टेप लगाते हैं और एक बार जुगाड़ करके देखते हैं कि क्या अब यह काम करेगी। दोस्तों, ये प्रिंट अभी भी कर रही है, यानी कि कार्टेज हमारी अभी भी जिंदा है। तो अब चलते हैं अपनी पुरानी वाली कार्टेज को निकाल करके नई वाली कार्टेज की अनबॉक्सिंग करते हैं और उसको फिट करके फिर आपको प्रिंट आउट निकाल करके दिखाते हैं। तो ये है वो नई वाली कार्टेज का प्रिंट आउट, जो कि मैंने स्टैंडर्ड पे निकाला है, हाई क्वालिटी पे नहीं निकाला है। फिर भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों से, साइड बाय साइड रख करके, कि दोनों में कितना फर्क है, नई कार्टेज स्टैंडर्ड क्वालिटी और पुरानी कार्टेज हाई क्वालिटी, दोनों में कितना फर्क है। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों मैं बार बार कहता हूं कि आप इंक टैंक प्रिंटर बड़े आराम से ले सकते हैं, आपको इंक ड्राई होने की टेंशन नहीं लेनी। और अगर आप अपने प्रिंटर की इंक कार्टेज रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो भी आपने आज लाइव देख लिया कि कैसे करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।